भगवान भाव के भूखे हैं। गृहस्थ में रहने वाले एक बड़े अच्छे त्यागी पंडित थे। त्याग साधुओं का ठेका नहीं है। गृहस्थ में साधु में सभी में त्याग हो सकता है। त्याग साधु भेष में ही हो ऐसी बात नहीं है। पंडित जी तो बड़े विचारवान थे, भागवत की कथा कह रहे थे। एक धनी आदमी ने उनसे दीक्षा ली और कहा, हे महाराज, कोई सेवा बताओ। धनी आदमी बहुत पीछे पड़ गया तो कहा, तुम्हें राम जी ने धन दिया है तो सदा व्रत खोल दो, भूखों को भोजन कराओ, भूखों को अन्न दो। ऐसा महाराज जी ने कह दिया। वो श्रद्धालु था, उसने शुरू कर दिया। दान देते हुए कई दिन बीत गए। मनुष्य सावधान नहीं रहता, वो हर एक जगह अभिमान आकर पकड़ लेता। उसे देने का भी अभिमान हो गया कि मैं इतने लोगों को अन्न देता हूँ। अभिमान होने से नियत समय पर तो अन्न देता और दूसरे समय में कोई मांगने आता तो उसकी बड़ी ताड़ना करता, तिरस्कार अपमान करता। क्रोध में आकर अतिथियों को ताड़ना करते हुए कह देता कि सभी भूखे हो गए, सभी आ जाते हैं, सबकी नियत खराब हो गई। इस प्रकार ना जाने क्या क्या गाली देता। पंडित जी महाराज ने वहाँ के लोगों से पूछा कि सदा व्रत का काम कैसा हो रहा है। लोगों ने जवाब दिया, हे महाराज जी, अन्न तो देता है पर अपमान तिरस्कार करता हुआ। एक दिन पंडित जी महाराज स्वयं 11 बजे रात्रि में उस सेठ के घर पहुँचे। दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाने लगे, हे सेठ, कुछ खाने को मिल जाए। भीतर से सेठ का उत्तर मिला, जाओ जाओ, अभी वक्त नहीं है। तो फिर बोले, कुछ भी मिल जाए, ठंडी वासी मिल जाए, कल की बची हुई रोटी मिल जाए, भूख मिटाने के लिए थोड़ा कुछ भी मिल जाए। तो सेठ बोला, अभी नहीं है, पंडित जी जानकर तंग करने के लिए गए थे, बार बार देने के लिए कहा। तो सेठ उत्तेजित हो गया, इसलिए जोर से बोला, रात में भी पिंड छोड़ते नहीं, दुख दे रहे हो। कह दिया, ठीक तरह से अभी नहीं मिलेगा, जाओ। पंडित जी फिर बोले, हे सेठ जी, थोड़ा ही मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाए। अब सेठ जी को क्रोध आ गया, जोर से बोले, कैसे आदमी हो। दरवाजा खोलकर देखा तो पंडित जी महाराज स्वयं खड़े थे। उनको देखकर कहता है, महाराज जी आप थे। पंडित जी ने कहा, मेरे को ही देता है क्या, मैं मांगूं तो ही तू देगा क्या। हे महाराज, आपको मैंने पहचाना नहीं। सीधी बात है, मेरे को पहचान लेता तो अन्न देता, दूसरों को ऐसे ही देता है क्या। ये कोई देना थोड़ी हुआ, तूने कितनों का अपमान तिरस्कार कर दिया, इससे कितना नुकसान होता है। सेठ ने कहा कि हे महाराज, अब नहीं करूँगा, अब कोई मांगने आ जाए तो सेठ जी को पंडित जी का याद आ जाता है, इसलिए सब समय सब भेष में भगवान को देखो। गरीब का वेश धारण कर, अभावग्रस्त का भेष धारण कर भगवान आए हैं। क्या पता किस भेष में साक्षात नारायण आ जाएं। इस प्रकार आदर से देगा तो भगवान वहां आ जाते हैं। भगवान तो भाव के भूखे हैं, भाव आपके क्रोध का है, ये तो वहां भगवान कैसे आएंगे। आपके देने का भाव होता तो भगवान लेने को लालायित रहते हैं। भगवान तो प्रेम चाहते हैं, प्रेम से आदर से दिया हुआ भगवान को कुछ प्रिय लगता है। दुर्योधन का मेवा त्यागे, साग विदुर घर खायो। मिले हुए अधिकार का सदुपयोग। एक हाथी था, वो मर गया तो धर्मराज के यहाँ पहुँचा। धर्मराज ने उससे पूछा, अरे तुझे इतना बड़ा शरीर दिया, फिर तू भी मनुष्य के वश में हो गया। तेरे एक पैर जितना था मनुष्य,
उसके वश में तू हो गया। हाथी बोला, हे महाराज, ये मनुष्य ऐसा ही है, बड़े बड़े इसके वश में हो जाते हैं। धर्मराज ने कहा, हमारे यहाँ तो अनगिनत आदमी आते हैं। हाथी ने जवाब दिया, आपके यहाँ मुर्दे आते हैं, जो जीता आदमी आए तो पता लगे। धर्मराज ने दूतों से कहा, अरे एक जीता आदमी ले आओ। दूत ने कहा, ठीक है। दूत घूमते ही रहते थे। गर्मी के दिनों में उन्होंने देखा कि छत के ऊपर एक आदमी सोया हुआ है। दूतों ने उसकी खाट उठा ली और ले चले। उस आदमी की नींद खुली तो देखा कि बात क्या है। वो कायस्थ था, ग्रंथ लिखा करता था। ग्रंथों में धर्मराज के दूतों के लक्षण आते हैं। उसने देखा कि ये सब तो धर्मराज के दूत उठाए ले जा रहे हैं। उसने जेब से कागज और कलम निकाली, कागज पर कुछ लिखा और जेब में रख लिया। उसने सोचा कि हम कुछ ची पचड़ करेंगे तो गिर जाएंगे, हड्डियां बिखर जाएंगी। वो बेचारा खाट पर पड़ा रहा कि जो होगा देखा जाएगा। सुबह होते ही दूत पहुंच गए। धर्मराज की सभा लगी हुई थी। दूतों ने खाट नीचे रखी। उस कायस्थ से तुरंत जेब से कागज निकाला और दूतों को दे दिया कि धर्मराज को दे दो। उस पर विष्णु भगवान का नाम लिखा था। दूतों ने वो कागज धर्मराज को दे दिया। धर्मराज ने पत्र पढ़ा। उसमें लिखा था, धर्मराज जी से नारायण की यथा योग ये हमारा मुनीम आपके पास आता है, इसके द्वारा ही सब काम कराना दस्तखत, नारायण बैकुंठपुरी।